कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए हर पार्टी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मांडर के सुनील उरांव, जो कि आजसू में थे, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी नेता सुबोधकांत सहाय के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसलिए नहीं कि कोई उम्मीदवार एक्स वाई जेड होने जा रहा है, बल्कि मूल रूप से देश के जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, जनतांत्रिक संगठनों की रक्षा, संविधान की रक्षा और तानाशाह से देश को कैसे मुक्त कीजिएगा, इसकी लड़ाई है। दिनों दिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जब लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है, मोदी जी को देश में पॉजिटिव वोट मिला था, लोगों को उम्मीद थी शायद कुछ अच्छा करेंगे, पता नहीं क्या इनका गुजरात मॉडल था, किसी ने आज तक जाना नहीं, और लोग ये नहीं समझ पाए थे कि मुख्यतः ये एक मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति है जो झूठ को कैसे सच में बेचा जा सकता है। और हर बिंदु पे आज देश के लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया है। आर्थिक जगत जो चरमरा गई है, सामाजिक जगत में आप देख रहे हैं कि 5 साल में कितने मासूमों की हत्या की गई, कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का जो इनका एक मात्र एजेंडा है उसको लोगों ने समझ लिया। राजनीति में द्वेष कितना कहा जा सकता है, सरकारी संस्थाओं का सीबीआई से लेकर के सभी उन संस्थाओं का उपयोग राजनीतिक द्वेष के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, लोग समझ गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग को समझ में नहीं आता है ये। और उसके बाद जो लोगों का मिथ टूटा है, उनका भरम टूटा है, आज वो एक बाढ़ की तरह लोग इनके विरोध में खड़ा हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सुनील उरांव जी, जो हमारे जिला परिषद के साथी हैं, पंचायत समिति के सदस्य, इन तमाम लोग आज पार्टी बनाए। आज बीजेपी ने कैंपेन चलाया पूरे देश भर में, मैं भी चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री 25 लाख चौकीदारों से संवाद स्थापित कर। स्टेशन पर अक्सर आप सुनते होंगे कि चोर 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 करके भाग रहा है कोई, कुछ दूर के बाद चोर खुद ही चोर चोर चिल्लाता है और वो भीड़ में छुपने की कोशिश करता है। ईमानदार चौकीदार हमारे साथ है, बेईमान चौकीदारों की भीड़ में नरेंद्र मोदी, जो अपने को चौकीदार कहते हैं, छुपना चाहते हैं। इस मौके पर सुनील उरांव ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना और झारखंड में महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराना ही हमारा लक्ष्य होगा। कांग्रेस में दामन थामने का ये वजह है क्योंकि दिलो दिमाग से पहले से ही मेरा मन था कि पहले भी 17 साल से मैं कांग्रेस में ही थे, जिस समय 2010 में जिला परिषद बने उस समय भी कांग्रेस में ही थे छोटे कार्यकर्ता के हिसाब से, और उसके बाद में जिला परिषद बने कांग्रेस का ही जो यहाँ का चेयरमैन बना था उनको सपोर्ट करके ही थे, लेकिन हाँ तो उस हिसाब से कुछ मेरा सुने, लेकिन भी मन संतुष्ट नहीं रहा हमेशा। आज से नहीं 3-4 साल पहले, 13 के बाद 14 से ही फिर मेरा मन लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलती किया, मैं पार्टी छोड़ के फिर मैं वो बेहतर है, और ये जो पार्टी जो है हर एक समाज को ले कर चलने वाली है, दबे कुचले लोगों को लेके चलने वाली है, और ख़ासकर गांव देहात सभी लोग मिला के चलने वाले हैं पार्टी है, और रिसीव करते हैं अपना क्या भाई खून में बसा के रखा था और अभी भी है। हमारे कार्यकर्ता भी वही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है कि हर एक समाज को और हर एक इंसान को
हर एक समाज को भगवान की तरह, इंसान को भगवान की तरह पूछते रहते हैं। ये हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी हर एक लगातार आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मिलन समारोह के तहत लोगों का योगदान काफी तादाद में हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा युवकों की संख्या है। ये युवक जिन लोगों ने 5 साल में देखा कि किस तरह स्थानीय नीति के चलते यहाँ के लोगों को और जल जंगल जमीन को जिन्होंने भूमि अधिकरण के तहत लूटने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ये सारे चीजों को जो वादा खिलाफी और सबसे ज्यादा